आप सबको आज यहाँ इकट्ठा देखे और इतनी संख्या में आप लोग यहाँ आए हो आज, इसको देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं दिल से आप लोग सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज आप लोगों ने ग्वालियर के अंदर इसी स्टेडियम में इतनी जोरदार तरीके से अपनी ऊर्जा से हम लोगों को ताकतवर बनाने की कोशिश की, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत सबको धन्यवाद। सब लोगों को आज मेरे मंच पे बैठे हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल जी और राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल और सांसद अर्जुन जी मेघवाल, पूर्व सांसद मानविंदर सिंह जी और पूर्व मंत्री जनार्दन जी, पूर्व मंत्री राम नारायण जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह जी, विधायक फूलचंद जी, विधायक बनवारी लाल जी और अभिषेक जी, पूर्व विधायक जालिम सिंह जी, पूर्व विधायक हरि सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष मेजर पर्वत सिंह जी और श्री धर्मपाल जी शर्मा, यहाँ सब लोग जो उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए अपार संख्या में आए बाड़मेर के हमारे साथ भाई और बुजुर्गण, आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ आके इतनी संख्या में हम सबका हौसला अफजाई की है। यहाँ देख के मुझे खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ नौजवानों की एक समुद्र के जैसे नौजवान ही नौजवान मेरे को दिख रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब नौजवान निकल के आते हैं तो बहुत बड़े कदम हम लोग सब मिलकर ले सकते हैं। जब भी बहुत बड़ा काम इस देश के अंदर हुआ तो हमेशा उन नौजवानों ने किया और इसीलिए मैं ये भी मानती हूँ कि अब जो परिवर्तन होगा राजस्थान के अंदर वो हमारे यही सब नौजवान आगे बढ़ के करने का काम करेंगे, इसलिए आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो शुरू करना चाहती हूँ कि बाड़मेर तो बिल्कुल एक हमारे प्रदेश का एक सिरा है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ पूरा इलाका, ये सब हमारा ऐसा इलाका है जहाँ जयपुर से चल के आने में एक जमाने में बहुत समय लगता था। आज बाड़मेर के सब लोगों के एक किस्म से हाथ जोड़ के प्रणाम करने का ये मौका मिला है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं ये शुरुआत वहीं से करना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि जब भी कहीं बदलाव आता है तो वहां आता है जहां जनता की मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं मिलती। अब आप ये फोटोग्राफर्स, हेलो, ये फोटोग्राफर जो सामने है आप लोग यहाँ बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाओ प्लीज, तो बैठ जाओ आप लोग फोटोग्राफर्स और बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए, इधर उधर मत करिए क्योंकि आप हमें डिस्टर्ब करते, प्लीज बैठ जाइए। बाड़मेर में आके मैंने सबसे पहले पूछा कि बाड़मेर के पानी की स्थिति क्या है, तो बाड़मेर के शहर की मेरे को ये मालूम पड़ा कि 30 अगस्त को आनंद फानंद में पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन किया सोनिया गांधी ने, तो मैंने पता किया कि क्या बहुत अच्छा पानी शहर के अंदर, और वो बाड़मेर लिफ्ट सिंचाई योजना जिसमें 688 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था, क्या वो गांव और शहर के अंदर पहुंच गया? तो लोगों ने सबने मेरे को हाथ उठा के कहा कि ऐसा गंदा पानी पहुंचा है, ये गंदे पानी को तो जानवर भी नहीं पी सकता है, और अगर करना था तो आनंद फानंद में करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा पानी इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर सही तरीके से पाइपलाइन लगा दिया जाता जैसे हमने सोचा था, नई नई पाइपलाइन अगर लग जाती तो साफ स्वच्छ पानी हम लोगों को पिलाने के लिए अपने क्षेत्र के अंदर लाते, जो आज इन्होंने नहीं किया है। ऐसा गंदा पानी आ रहा है कि मैं समझती हूँ कि 3 महीने गुजरने के बाद भी यहाँ पीने के पानी पीने को कोई नहीं है, या है कोई जो इस गंदा पानी को पीना चाहता है? शहर के अंदर पानी आ रहा है परंतु कोई इसको छू नहीं रहा है, और इसको बोलो जो आसपास के सब गांव है उन गांव के अंदर आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा, वो तो खाली आनंद फानंद में सोनिया गांधी को दिखाने के लिए कि हमने एक कदम आगे किया है,
ये सरकार इस तरीके की है, कभी सही बोलती नहीं है। जब भी कहती है कि अब पानी आएगा तो ये मान के चलो कि नहीं होने वाला है। और इसी तरीके से बिजली का काम, आज तो यहाँ ये सब बिजली चमक रही है, मेरे को जनरेटर की आवाज आ रही है। मुझे मालूम है कि ये बिजली पूरे राजस्थान के अंदर कहीं नहीं पहुंची है। वादा किया है कि हम लोग 8 घंटे बिजली किसानों को देंगे। या किसान भाई कोई बैठा है तो बताओ मुझे, आपको किसी को 8 घंटा मिला? मैं आपको बता सकती हूँ कि 3.5 घंटे से ज्यादा बिजली कहीं किसान को नहीं मिला है, और वो भी ट्रिपिंग के साथ। और आपके अगर ट्रांसफॉर्मर बिगड़ जाते हैं तो बिना रिश्वत के महीनों तक नहीं आएगा। और इसी तरीके से किसी ने डिमांड नोट भरा हुआ है तो गांव-गांव के अंदर लोग कह रहे हैं कि डिमांड नोट भर के पैसा देने के बावजूद भी हम लोगों को आज दिन तक हमारा कनेक्शन बिजली का नहीं मिला है। क्या ये सही है? मेरी महिलाओं को मैंने राजस्थान से जाने से पहले 2008 में पहली दफा घरेलू बिजली की लाइन दी थी, और मैंने उनको सबको कहा था कि 18 से 22 घंटे में देखे गई। और आज मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि तब में भी ये कोशिश थी कि 24 घंटे घरों के अंदर बिजली, पर्याप्त बिजली, बिना ट्रिपिंग की बिजली मिले, वो नहीं दे पा रही है 4.5 साल। और हम आपको ये विश्वास दिलाने चाहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले ये बिजली, घरेलू बिजली, घर पे 24 घंटे तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सौर ऊर्जा, इस सौर ऊर्जा के पीछे कितना कुछ सुनने को मिलता है आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विपुल संपदा है इसकी। आज 2 दिन से मैं देखते चली आ रही हूं तो पंखे ही पंखे मेरे को सब दूर दिखाई दे रहे हैं। लाखों मेगावाट बिजली उत्पन्न हो सकती है परंतु नहीं हुई है, और गरीब जनता की जमीन के ऊपर कब्जा हजारों बीघा के ऊपर इन पंखों के द्वारा और इन कंपनियों के द्वारा किया गया है। गरीब जनता की ओलन की भूमि उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा करने का काम इन कंपनियों ने किया है। और ये सौर ऊर्जा जो बिजली आती है वो कहां जा रही है? वो बाहर जाती है, यहाँ की जनता को नहीं मिलती है। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि सौर ऊर्जा की जो उत्पादन है उसके अंदर सबसे पहले उसकी नीति के अंदर हम फेर बदल करवाएंगे, और सबसे पहले जिस क्षेत्र के अंदर उसका उत्पादन होता है उन लोगों को बिजली देने का काम करेंगे, उसके बाद ये बिजली बाहर जा सकती है, उसके पहले नहीं। ये भी मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात, मैंने यहाँ देखा कई दिनों से अखबार में पढ़ने को भी मिल रहा है, मैं तो बुनियादी मुद्दे के ऊपर हूं, मैं देखती हूँ कि इस सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया है शायद किसी सरकार ने भ्रष्टाचार किया हो। और ये भ्रष्टाचार करती है तो जमीन के ऊपर करती है। कुछ दिन पहले उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लाएंगे जोधपुर में, जबकि सबको मालूम है कि इस एयरपोर्ट जो मिलिट्री एयरपोर्ट के चारों ओर बहुत जगह तक आप लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं ला सकते। नागौर के रोड पे घोषणा की, नागौर के रोड पे कितने लोगों ने खरीद फरोख्त की ये पता कर लेने की जरूरत है, कितने लोगों ने हजारों करोड़ रुपया बनाया ये भी सब लोगों को मालूम है। उसके बाद जोधपुर से उठ के आए बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी बनाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है, मैं तो समझती हूँ कि रिफाइनरी जैसी चीज अपने लगनी चाहिए। जब तेल का भंडार है और पाकिस्तान भंडार में निकाल रही है तो हमें 65 साल इसको लगाने के लिए पहले क्यों लगे, ये भी पूछने की बात है। परंतु गए वो एक जगह, उस जगह के अंदर उन्होंने कह दिया कि हम यहां लगाएंगे अपनी रिफाइनरी। वहां सब लोगों को बता दिया, वहां के पेट्रोलियम पदार्थ के मंत्री दिल्ली को भी ले आए, सेक्शन 4 भी कर लिया, सेक्शन 6 भी कर लिया। उसके पहले सब लोगों को बोल दिया, अपने मंत्री और उनके संतरी और उनके आसपास के लोग, सब लोगों ने धंधा करना शुरू कर दिया। जो जमीन 5,000 रुपए की थी वो 30-30 लाख में गई। सब लोगों को मालूम है, पूरा धंधा करने के बाद एकदम से बीच में ये तय हो गया कि भैया यहां से जाके कहीं और जाएगी। वहां 6 महीने पहले ही लोगों ने जमीन का खरीद फरोख्त करने का काम चालू कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये यहां आएगी। अब उसमें सोनिया गांधी को बुलाएंगे तो सबको लगेगा यहां तो लगने ही वाली है, और इसलिए जोरों का धंधा होगा। हजारों करोड़ रुपया इन लोगों ने मिलकर वहां बनाया है, परंतु इनके लिए कोई नई बात नहीं है, इन्हें जोधपुर में कर लिया।
अब उन्होंने बाद में दो जगह में कर लिया और हजारों करोड़ बना लिए, और उसके पहले टेस्ट जिसको बोलते हैं ट्रायल रन, उसके लिए उन्होंने हमारे भारत के दामाद को बुलाया और दामाद को बुला के कहा कि आप देख लीजिए, यहाँ बीकानेर है या जैसलमेर है या बाड़मेर है, कहीं भी आपको जमीन का धंधा करना है तो कर लीजिए। उन्होंने जमीन सस्ती ली, उन्होंने बेची महंगी, बहुत सारा पैसा बना के देश के दामाद राजस्थान से खुश होकर चले गए। और मुख्यमंत्री से पूछा गया तो मुख्यमंत्री कहता है कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, हमने तो पेपर में पढ़ा ही नहीं। अरे मुख्यमंत्री की तो आंखें बंद थी, कान भी बंद थे क्या, कि उनको ये नहीं मालूम हुआ कि पूरे क्षेत्र के अंदर जो सब आदमी जानता है, गरीब से गरीब जानता है कि 10,000 से ज्यादा बीघा लेके और उसके साथ इस तरीके से खेल हुआ। गरीब आदमी को तो हम जमीन नहीं देंगे परंतु बाहर के लोगों से ये सब काम करवाएंगे, ये कहां तक जायज है भाइयों, जरा बताओ मुझे। हम जानते हैं कि आज पट्टे के आवंटन नहीं हुए हैं। मेरी सरकार जब गई थी तो मुझे याद है मैंने कहा था कि जो लोग पुश्तैनी उस जमीन पर रह रहे हैं उन लोगों को बुला बुला के जब दौरा किया और सबसे बात की और हमने कह दिया कि ये सब लोगों को जहां वो रहते हैं उनका पट्टा देने का काम करे। सरकार आई तो इन लोगों ने पट्टा देने का काम बंद कर दिया क्योंकि वो चाहती थी कि इस जमीन का धंधा करे। तो बेचारे गरीब आदमी को जो लिखा है उन्होंने अपने ये घोषणा पत्र के अंदर एक पॉइंट है, उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा वर्ग के लोगों को वेस्ट लैंड आवंटन करने की घोषणा की। क्या दी क्या किसी को, यहाँ किसी को वेस्ट लैंड मिला, किसी गरीब को जमीन मिली? हम लोगों ने सबको कहा कि 1-2 बीघा गरीब लोगों को देने का काम करो, परंतु किसी गरीब को जमीन नहीं मिली। परंतु मोटे मोटे सेठ जयपुर के, दिल्ली के, मुंबई के लोगों ने आके यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर जमीन खरीद फरोख्त करने का तो बहुत जोरदार धंधा चला के रखा। चलो इसको एक तरफ करो, अब आई आपकी रिफाइनरी। रिफाइनरी लगेगी, बहुत बड़ी रिफाइनरी लगेगी, मुझे बड़ी खुशी है। मैंने पता करने की कोशिश की तो ये मालूम पड़ा कि ये पहली रिफाइनरी है जिसको केंद्र की सरकार पैसा नहीं देगी। भटिंडा की, बड़ोड़ा की और जहां भी अपने लगी हुई है रिफाइनरीज, उसमें पैसा कंपनी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगता है, ये सब लोग जानते हैं। राजस्थान में क्यों नहीं, क्या बात थी जिसकी वजह से राजस्थान की सरकार को इसमें पैसा लगाना पड़ रहा है? और यहां 1,000-2,000 करोड़ नहीं, हर साल 4,000 करोड़, 15 साल के लिए 4,000 करोड़, गिनती करो 60-65,000 करोड़ रुपया तो सरकार देगी। फिर जमीन का ले लो कि जमीन का कितना दाम है उसको उसके साथ जोड़ो, और फिर इसमें ब्याज नहीं लिया जाएगा, ये भी उन्होंने कह दिया। अरे इतना सारा किसी ने पैसा लगाया होता तो पूरी कंपनी उसकी होती, परंतु इस कंपनी के अंदर सिर्फ 25% भाग या हिस्सा हमारी सरकार रख रही है। यहाँ क्या धंधा हो रहा है भाइयों बहनों, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ जो जमीन के धंधे हुए हैं चारों ओर जो हो भी रहे हैं, एससी के लोग जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके नाम के ऊपर धंधा, और वो बेचारे गरीबों को ये नहीं मालूम कि हमारे नाम के ऊपर इतना बड़ा धंधा हो रहा है, इनको तो मालूम ही नहीं है कि हमारे नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे भाइयों, पूरी तरह से राजस्थान के अंदर जिस तरीके से ये पैसा बनाया जा रहा है मैं समझती हूँ किसी ने नहीं किया। आपको याद होगा 2008 के अंदर चुनाव लड़ा गया था, 2008 के अंदर जीतने के बाद ये सरकार आई तो इस सरकार ने आयोग बनाया, उस आयोग में हमारी जांच करने की बात उन्होंने रखी, और उन्होंने 2008 के चुनाव में ये बताया सबको कि 22,000 करोड़ हम लोगों ने बनाए। अरे भाइयों, मैं पूछना चाहती हूँ, आयोग बना, उसने फाइलें खंगाली, सब कुछ पूछा, मिले लोगों से, एक कौड़ी इधर उधर नहीं गई। और मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बार बार ये विश्वास की चुंदड़ी पहनाते हो, इस विश्वास की चुंदड़ी को पाक रखा, इसके ऊपर आज दिन तक दाग नहीं लगने दिया, जो वादा किया उसको पूरा करने की हमने कोशिश की भाइयों। परंतु इन्होंने ये 22,000 करोड़ की बात करते हैं, मैं कह रही हूँ 20-30-40-50,000 करोड़ जितनी जमीन के ऊपर धंधा किया है इसका आप और हम सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा गया। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि क्या ऐसी सरकार जिसने 53 साल राज किया है और राज करने के बाद आपकी मूलभूत सुविधाएं तो आपको नहीं दे सकती,
परंतु अपनी मूलभूत सुविधाओं का पूरा पूरा इंतजाम करके उसने रखा है। क्या ऐसी सरकार को आप उस कुर्सी पर बैठने का मौका देंगे? क्या उसको बिठाएंगे वहां? क्या ऐसी सरकार जो आपने देख लिया है नरेंद्र मोदी जी की, वहां नरेंद्र मोदी जी के 15 साल सरकार चली और उन्होंने देश के नहीं दुनिया के पर्दे पे ला के रख दिया है अपने गुजरात को। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 साल में देश के पर्दे के ऊपर ला के मध्य प्रदेश को रख दिया है। अरे भाइयों, 53 साल इस कांग्रेस को हमने दिया और आज के दिन भी हम लोग गर्त में बैठे हुए है। ये राजस्थान कहलाया जाता है बीमारू। इस बीमारू को अपने पैर पे खड़ा करने का काम करना चाहते हो क्या? आप लोग चाहते हो कि अपने पैर पे खड़ा हो जाए? अगर ये चाहते हो तो एक नया राजस्थान हमको मिलके बनाना है। तैयारी है क्या? आप लोग चाहोगे क्या? तो फिर हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जिस राजस्थान के अंदर हम अपने बच्चों को नौकरी और रोजगार दे सके। ये सरकार नहीं दे पाई। हमने अपने टाइम के अंदर 10 लाख नौकरियां दी और आज भी मैं कहती हूँ कि सबसे पहले ये टैक्स का चक्कर जो चला हुआ है उसका प्रबंधक कन के आरबीएससी के द्वारा हम फिर से नौकरियां निकालने का काम करेंगे और हमारे बच्चों को नौकरियों का इंतजाम करके छोड़ेंगे। ये सब लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। हमारी माताएं बहनें आज जिस तरीके से उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, राजस्थान आज नंबर 2 है पूरे देश में महिला के अत्याचार में। क्या वो राजस्थान जिसका नाम पूरे इतिहास के अंदर लिखा गया था, जिसका इतना जोरदार स्वाभिमान और जिसकी इज्जत है, आज हमको कलंकित होना पड़ रहा है क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया हमको सुखी तरह से नहीं रख सकते, हमारी महिला को सुरक्षित नहीं रख सकते। और अगर हम वो हमारी महिला को सुरक्षित नहीं रख सकते, जो भी परिवार महिला को सुरक्षित नहीं रख सकता वो परिवार आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का क्या हक है? नहीं है। ना रोजगार है, ना महिला सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, अपने मजबूती से खेत में खड़ा नहीं हो पा रहा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाद है, ना बीज। और जब वो जाता है बेचने के लिए तो उसको सही मूल्य नहीं मिलता है। इस किसान को मजबूत अगर हमको करना है तो इस सरकार को तुरंत हटाने की कोशिश हम लोगों को मिलकर करनी है। और ये मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग छोड़ोगे नहीं। इसी के साथ साथ व्यवसाय लाना जरूरी है, फैक्ट्री लानी जरूरी है, परंतु जनता को अपनी बातों में लेना, साथ में बैठा के उनको समझाना ये भी जरूरी है। सब लोगों को ये तय होना चाहिए और सब लोगों को नीति तैयार करनी चाहिए और नीति के हिसाब से हमको चलना चाहिए ताकि फैक्ट्री भी लगे और जनता का भी जो सुविधा है उसके ऊपर कोई हाथ ना लगा सके, जनता भी मजबूती के साथ अपने क्षेत्र के अंदर बढ़ सके। तभी तो मजा आएगा, तभी तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। और मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि राजस्थान को नहीं रोक सकता कोई। इसको अगर हम लोगों को आगे ले जाना है तो हम और आपको दोनों को मिलकर काम करना है। डॉक्टर्स को लाना है, टीचर्स को लगाना है। आज आपके डॉक्टर्स की क्या परिस्थिति आप बताओ मुझे? यहाँ कोई मुफ्त दवाई किसी को मिल रही है? यहाँ किसी को मुफ्त जांच हो रही है? अरे डॉक्टर ही नहीं है तो क्या मुफ्त जांच होगी? जब लैब टेक्नीशियन ही नहीं है तो क्या जांच होगी? टीचर नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर टीचर है तो डॉक्टर नहीं, टीचर है तो बच्चा नहीं, अगर बच्चा है तो टीचर नहीं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने गाड़ियों के अंदर स्कूल खोले थे उनको बंद करने की पूरी साजिश है, ये कोशिश में लगे हुए हैं। और हमने इसको खोला था क्योंकि हमने ये कहा था कि इतने दूर कहां बच्चे आएंगे, स्कूल गाड़ियों के अंदर भी हम लोगों को खोलना चाहिए और इसीलिए हमने खोला था। मैं नगर पालिका से भी निकलते आ रही हूँ, सफाई की व्यवस्था कैसी चरमराई हुई है इस शहर में से आप लोग निकलते हो और आम आदमी को किस तरीके का नारकीय जीवन निकालना पड़ रहा है और सड़कों की क्या हालत है भाई, आप लोगों ने देखिए ये सड़कों की हालत किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी शहर के अंदर नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज मैं आप लोगों को यह कहने आई हूं, आपके अंदर वो ज्वाला है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो चाहत है। आप पिक्चर देखते हो, टीवी देखते हो, आप देखते हो कि दुनिया के अंदर शहर कैसे कहां से कहां पहुंच रहे हैं। क्या हम अपने शहर को, क्या हम अपने राजस्थान को वहां तक नहीं पहुंचा सकते? इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। वादे करने में कोई कमी नहीं छोड़ी,
मैं ये भी बना दूंगा, मैं वो भी बना दूंगा। अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बता दिया कि हम कोटा में खोलेंगे, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी आप खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे, कहाँ है जमीन, कौन आएगा पढ़ाने के लिए, कब खोलेंगे? अभी तो 3 महीने है चुनाव के लिए, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये खड़ा होने वाला ही नहीं है। जिस तरीके से आपने सीकर, झुंझुनू और भरतपुर और अलवर, वहां आपको याद है कि यूनिवर्सिटी खुलने वाली थी, 3 यूनिवर्सिटी की घोषणा भी हो गई थी, वीसी भी लग गए थे, आपके पैसा भी दे दिया था, परंतु खुले नहीं, 4 साल तक उसको वैसे ही बंद रखा, यही बताने के लिए। अगर खोल दिया होता तो 4 साल से बच्चे उसमें से निकलते, बैच के बैच निकल जाते और उनको मौका मिलता, परंतु उन्होंने नहीं किया। आज भी अगर जाके देखो तो जमीन नाम की चीज ही नहीं है, वाइस चांसलर है, ओएसडी है, परंतु यूनिवर्सिटी नहीं है। और अभी अभी क्या किया है, यूनिवर्सिटी को चालू करने के लिए 2 महीने का करारनामा बनाया है। 2 महीने, जब आप किराया किसी को देने जाते हो तो 6 महीने या 11 महीने का होता है करार, सब लोग जानते हैं, परंतु यह 2 महीने, इसका मतलब यह है कि आप लोग ये चुनाव चुनाव को ही निकालना चाह रहे हो। ये चुनाव निकल जाएगा उसके बाद भगवान भरोसे, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान भरोसे नहीं है, क्योंकि सरकार अभी कुछ बोलती है तो सरकार की जबान को अपने को समझने की जरूरत, जबान देती है ये, खाली इलेक्शन के लिए नहीं करती है और नहीं करना चाहिए। अब 4 महीने बच गए, 4 महीने में तो क्या सौगात चाहिए आपको बस बता दो। आपको मालूम है कि महानरेगा का काम नहीं चालू है, यहाँ चालू है क्या? नहीं चालू है, जगह जगह पे नहीं चालू है। 13,000 करोड़ खा गए इस महानरेगा के नाम पे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को काम नहीं मिल रहा है। बस तो कह दिया कि हम महिलाओं को जिस तरीके से पहले दिया करते थे, हम भी 2 साड़ियां देंगे, पर हम साड़ी नहीं दे सकते, पैसे ले जाओ तो पैसे लेंगे हम आपको, इसके लिए चावल चाहिए तो चावल के लिए पैसे, साइकिल चाहिए तो साइकिल के लिए पैसे, लैपटॉप चाहिए अरे लैपटॉप के भी पैसे, हर चीज के लिए आपको हम पैसा देने को चला है तैयार है। अरे सोने का महल चाहिए तो उसके पैसे, और दूध की नदी बहानी है तो उसके भी पैसे, आप बस बता दो क्या चाहिए। चुनाव के लिए हम आपको सब कुछ लेने को तैयार है, पर हमें वोट दो। मैं पूरी जनता को ये कह रही हूं, ये पैसा आप ही का है, ये आपके जेब से जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा है, इस पैसा को लो, छोड़ो मत, नहीं तो जाएगा सीधे वो काले धन के अकाउंट में और उनके जेब में, आपको नहीं मिलने वाला। ये पैसा ले लो, परंतु जब अपन जाएंगे वहां, याद रखना कि हम लोगों को वो नया राजस्थान बनाया है, एक ऐसा सपना जो आपने हमने दोनों ने देखा है उसको हम लोग पूरा करेंगे, और उस समय उनको बताएंगे जो लोग हमको कहते हैं कि हम करेंगे और नहीं करते हैं, उनको हम उस कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं देंगे, ये आप उनको समझाएंगे बताएंगे। आने दो वो चुनाव, मैं तो सबको कह रही हूं, और मैं एक और बात आपको कह रही हूं, उनने देख लिया कि 53 साल 54 साल राज करने का राज, एक दूसरों के बीच में झगड़ा करा दो, अरे जाति जाति में झगड़ा, मजहब मजहब में झगड़ा, बस एक मजहब का एक जाति का हमको वोट मिल जाएगा तो हमारा फायदा हो जाएगा, भाई भाई में परिवार के अंदर झगड़ा। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान इसलिए इतने सालों से आगे नहीं गया है, राजस्थान के सब लोगों को परिवार के रूप में, 36 के 36 कौम और सब मजहब साथ मिलकर जब चलेंगे, एक प्यार की डोर से बन के चलेंगे, तो एक ऐसा राजस्थान बनेगा, एक समृद्ध, एक खुशहाल, एक मजबूत राजस्थान, जो फिर से नंबर एक जैसे पहले रहा करता था, वो फिर से नंबर एक राजस्थान बनेगा, और हम लोग मिलके उसको बनाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने यहां आई। तैयार हो, तैयार हो इसको करने के लिए, याद रखना इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके बीच में आएंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, ये सीबीआई एक नया उनके हाथ में एक बहुत बड़ा काम हो गया, कोई आया मेरे पास कहने के लिए कि हमारे यहाँ मर्डर हो गया, इस मर्डर के लिए कोई देख नहीं रहा है, तो आप अगर सीबीआई को दिलवा देते हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ये सीबीआई अब आप लोगों के लिए नहीं है, ये तो इन सब लोगों के लिए है, कि भाई साहब गुलाब जी ये हम लोग सब जो यहाँ बैठे हुए हैं पूरी के लिए है ये सीबीआई आप लोगों के लिए नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, नया केस बना के। मैं तो कह रही हूँ भाई साहब इनको तो छोड़ोगे नहीं आप, तो बहुत अच्छा लगेगा, इनको भी मालूम होना चाहिए कि झूठा केस किसी के खिलाफ अगर कोई बनाता है तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे,
इस तरीके से किसी के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते जिस तरीके से हमने मुलाजी भाई साहब के साथ करने की कोशिश की है। हम सबके पीछे पड़े हैं। मैंने कहा बिजी यहाँ है सीबीआई, पर दूसरे लोग आपके पीछे पड़ेंगे। मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि एक समय इमरजेंसी नाम की चीज हुआ करती थी, हम लोग सब जानते थे, वो खुले करते थे। अब भी अघोषित इमरजेंसी है, क्योंकि पीछे पीछे फिर टांग खींचने का काम, लोगों को डराने और धमकाने का काम अभी भी सरकारी तंत्र के द्वारा किया जा रहा है, और आप लोग उसको अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए आज ये कहने आई हूं कि डरना नहीं। जब हम लोग एक साथ है तो हमको कोई नहीं तोड़ सकता। एक आवाज में जब उठेंगे तो वो राजस्थान हम बनाएंगे। तो आओ सब लोग मिलो और सब लोग साथ होके एक ऐसा सुंदर राजस्थान बनाने का काम के लिए चालू हो जाओ कि मैं तो नहीं समझती हूँ कि कोई आपको रोक सकता है। जिस दिन आपने प्रतिज्ञा करके ये काम चालू कर दिया, मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एक ऐसा सुंदर राजस्थान बनेगा जो मैं मानती हूँ कि आगे चल के नंबर एक का प्रदेश बन के रहेगा। इसके लिए आप लोग सबकी मदद की जरूरत है, सबकी। इसलिए जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी जोरदार। सबको मालूम पड़ जाना चाहिए कि बाड़मेर चल पड़ा है। अब आपके आंखों के ऊपर कोई पट्टी नहीं बांध सकता। रोज रोज देखने को मिल रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है। पूरा नंगा नाच उस बाड़मेर के अंदर ही हो रहा है, और ये नंगा नाच पूरे राजस्थान पढ़ रही है, देख रही है, समझ रही है। इसलिए हाथ ऊपर करके जोरदार, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। चलो सब मिलकर ऐसा राजस्थान बनाएं। Oh, something to me.